आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। बिहार पुलिस महकमे में हुए बड़े तबादले के बाद अब अधिकारी अपना योगदान देने के लिए पहुंच रहे हैं। पूर्णिया में भी 3 SDPO का तबादला हुआ है, जिनमें से 22 अनुमंडल के SDPO आदित्य कुमार ने अब पदभार संभाला है। इससे पहले यहां के SDPO रहे मनोज राम को लोगों ने विदाई दी। बताते चले कि नए पद पर आए SDPO आदित्य कुमार पहले जमुई में अपना योगदान दे चुके थे, अब 22 की बागडोर भी संभालेंगे। अब तक 22 में योगदान दे रहे मनोज राम यहां से बेतिया में जाकर DIG ऑफिस में अपना योगदान देंगे। इस मौके पर 22 थाना पुलिस और 22 अनुमंडल अंतर्गत आने वाले तमाम पुलिस पदाधिकारी के अलावा कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुखिया संघ के अध्यक्ष जावेद इकबाल, श्रीपुर मल्लाहटोली पंचायत के मुखिया प्रत्याशी जहीरुद्दीन और अमौर के कई पुलिसकर्मी इस मौके पर मौजूद रहे। मौके पर मनोज राम ने 22 के बारे में कहा कि 22 उनके दिल में बसते हैं, हमेशा उन्हें याद आएगा। वहीं 22 SDM अमरेंद्र कुमार पंकज ने बताया कि मनोज राम ने अपने कार्यकाल में अच्छी मदद की है और उम्मीद करते हैं कि आदित्य कुमार भी नए हैं, यह भी सहयोग करेंगे, क्षेत्र में शांति का माहौल बना रहेगा और इसके लिए हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। बाईसी में अंतिम दिन है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ छोड़कर जा रहे हैं? 22 अनुमंडल में अच्छा कार्यकाल रहा, लंबे समय तक मैं यहाँ पदस्थापित था। सभी जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, नागरिक हैं, उन लोगों ने और प्रशासन के लोगों ने बहुत सहयोग दिया। एकदम दिलों में हमारे 22 बसेगा और हमेशा मुझे याद रहेगा। और आप जैसे पत्रकारों का भी बहुत अच्छा योगदान, आप लोगों ने कोऑपरेट किया हमको, और हम चाहेंगे कि आने वाले DSP साहब सभी लोग जो हैं इसी तरह 22 की प्रगति में अपना योगदान दें। धन्यवाद। कहेंगे कि ऐसे ही जैसे अमन चैन के साथ हमारा कार्यकाल गुजरा है, ऐसे ही हमेशा ये सौहार्द बना रहे। और अगला पोस्टिंग आपका क्या है? अगली पोस्टिंग मेरी अभी जो हुई है वो बेतिया में DIG ऑफिस में हुई है, मैं जा रहा हूँ, कल ज्वाइन करूँगा। हमारे निवर्तमान SDPO साहब मनोज जी, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। उनके साथ विगत 2.5 वर्षों से काम करने का अनुभव रहा है। हर एक अनुमंडल पुलिस पर अधिकारी रूप में जितना सहयोग मिलना चाहिए उससे अधिक सहयोग उन्होंने दिया है, जिसके कारण अनुमंडल का प्रशासन या विधि व्यवस्था की स्थिति बढ़िया, सब लोग उसको संधारित करने में कामयाब रहे हैं। और नए SDPO साहब आए हैं, नए लड़के हैं, अच्छे हैं, एनर्जेटिक हैं, तो आगे उनके लिए चैलेंजेज भी हैं। यहाँ पर पंचायत का चुनाव है, नया क्षेत्र है, बाढ़ग्रस्त एरिया है, तो उम्मीद करते हैं कि वो भी जो पहले जिस तरह से काम किए हैं, सहयोग से मिलकर हम लोग एक टीम रूप में किए हैं, उनसे उसी तरह से टीम वर्क रूप में काम करेंगे और सारी समस्याओं को हम लोग दूर करेंगे। नया DSP साहब आदित्य कुमार का यहाँ पदस्थापित हुआ और पुराने DSP साहब चले, आप आए, क्या बातें हुई, क्या आप कहेंगे इनसे मिलने के बाद? अभी जो नए DSP साहब आए हैं, इनके इनसे मिलने के बाद जैसे हम बात किए तो उनका तो बहुत फर्स्ट में यही बोले कि अपराध को कंट्रोल करना सबसे मेरा पहला दायित्व है। हमारे टाइम में अपराध नियंत्रण रहेगा, अपराध को बढ़ावा नहीं देंगे, और हम चाहते हैं कि जीरो लेवल पर जो आदमी रहे वो सुरक्षित रहे और सही रहे, यही इनका कहना है। और जो यहाँ से गए हमारे मनोज राम जी बहुत ही अच्छे, और इतना दिन रहे वो 3 साल 4 महीना रहे यहाँ 22 में, और 22 में एक छाप छोड़ गए हैं, और इनका बहुत अच्छा रहा कार्यकाल। इसमें हम लोग यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ की पब्लिक बहुत ही संतुष्ट रहे इनके इसमें कार्यकाल में, बहुत ही हम लोग अब उनको याद करते हैं और आने वाले वक्त में उनको भी याद 22 रहेगा, क्योंकि 22 बहुत ही शांतिप्रिय इलाका है और बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा, और उनका हम धन्यवाद करते हैं कि आप जितने दिन में रहें बहुत अच्छा से बैठे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जावेद इकबाल, मुखिया संघ अध्यक्ष 22 साहब यहाँ आए हैं, अच्छी बात बोले, जो सहयोग कीजिएगा हमारा, हम आपका सहयोग करेंगे और अच्छे से नियंत्रण रखेंगे। और पुराने वाले जो भी थे मनोज राम जी बहुत अच्छे थे, अच्छा कार्यकाल देके गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जहीरुद्दीन, पूर्व मुख्य प्रत्याशी श्रीपुर पंचायत।